साल 2016 से फरार चल रहा जाकिर नाइक ओमान पहुंचा है और इस दौरान उसने भारत के खिलाफ जहर उगलाए और कहा है कि भारत सरकार उसके पीछे पड़ी है। जाकिर नाइक ने मस्कट में आयोजित एक लेक्चर के दौरान सरेआम एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराया। इस दौरान उसने महिला को उसके परिवार और बाकी दोस्तों को धर्मांतरण कराने के लिए उकसाया भी। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और नबी है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब कोई भी इस्लाम कबूल करता है गैर मुस्लिम, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते। तो आज आप मासूम हैं, यू आर सिनलेस। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कि अल्लाह आपको जन्नत फिरदौस दे जी। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जरिया बने, आपके फैमिली आपके खानदान वालों को भी सही रास्ते पे लेके आए जी। और मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने बाकी जो बाकी सहेलियां हैं और आपके फ्रेंड सर्किल है, उनको भी सही रास्ते पे लेके आए जी। इंशाल्लाह।